सबको नमस्ते तो आज कबीर जी के कुछ शब्दों पे विचार करेंगे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए तो कबीर जी कह रहे हैं कि निंदक को अपने नियरे राखिए जो आपकी निंदा करते हैं जो आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं ऐसे लोगों को अपने इतने पास रखिए आंगन कुटी छवाए कि अपने आंगन की अपनी कुटिया के आंगन में उसकी छाँव में रखिए इतने नज़दीक रखिए तो क्यों कहेंगे कबीर जी ऐसा कि जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं जो ऐसी बातें बोलते हैं जो आपको काफ़ी टाइम तो ठीक भी नहीं लगती हैं उनको अपने पास रखिए ऐसा क्यों कहेंगे कबीर जी और अगर हम रियलिटी देखें अगर हम अपने जीवन को खोजें तो हम पाएंगे कि ऐसे ही लोग हमारे आसपास होते हैं इनफैक्ट दे कम एज अवर स्पाउसेज दे कम एज अवर यू नो फैमिली मेम्बर्स दे कम एज आवर क्लोजेस्ट पीपल दैट हु वी कैन नॉट एस्केप यू नो दे आर ट्वेंटी फोर सेवन विद अस और कबीर कह रहे हैं कि निंदक को अपने पास रखिए निंदक को अपने आंगन में रखिए अपनी कुटिया में रखिए उसकी छाव में रखिए तो कबीर जी क्यों कहेंगे ऐसा तो इस पे वी कैन जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लोर हेयर ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट नॉट दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट टू द डेप्थ ऑफ इट बट येट वी कैन जस्ट गिव इट अ चांस जब हम ऐसे लोगों के करीब रहते हैं जो हमारी समय समय पर हमें यू नो हमारी निंदा करते हैं या हम हमारी चीज़ों को चैलेंज करते हैं हमको क्रिटिसाइज करते हैं इट्स एक्चुअली रियल गोल्ड टू बी विद दैम एंड वाई बिकॉज दे डोंट लेट अटल इन टू एनी इमेज ऑफ अवर सेल्व हमारी एक प्रवृति होती है हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम जो माइंड है वो एक सेटल हो जाना चाहता है कहीं यू you नो know, एक स्पिरिचुअल रियालिटी को पकड़ लिया उसमें सेटल हो गए एक जीने का तरीका ढूंढ लिया और उसमें सेटल हो गए उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया एक गुरु ढूंढ लिया उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया उसमें सेटल हो गए और हमारे ही नजदीक वो सारे लोग रहते हैं जो इन सारी चीज़ों को चैलेंज करते हैं मेनी अ टाइम्स वी इवन हियर वर्ड्स फ्रॉम पीपल यू नो कि तूने इतनी वर्कशॉप्स कर ली इतनी मेडिटेशन कर ली तब भी तेरा ये हाल है यू नो सच काइंड ऑफ थिंग्स सो इट्स गुड टू हैव सच चैलेंज अराउंड बिकॉज दे डोंट लेट अस सेटल इन टू एनी इमेज ऑफ अवर सेल्व्स वी आर नॉट एनी इमेज ऑफ अवर सेल्व हम एक पिक्चर नहीं है एक पिक्चर परफेक्ट नहीं है वी आर एवर इवॉलविंग बींग्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग फॉलिंग अ पार्ट ब्रेकिंग वेकिंग अप बींग रीबोर्न सो वी आर नॉट दिस रिजिड इमेज ऑफ अवर सेल्व It may be a spiritual image that I have given to myself that this is the calm, peaceful person that I am. But if I look deeply into the reality of it, I see that sometimes I am calm, yet sometimes I am not. So sometimes I am peaceful, sometimes I am not. And it's all allowed, these are my movements. And I am not an image of me that I may think. And it's good that those images that I keep on holding dear to myself are challenged again and again by people around me only, because they just let me know that you are not this image. You can be free of this image and yet be. So Kabir is "Nindak niyare rakhiye, angan kuti savai bin sabun pani bina nirmal kare suhai." तो अब एक निंदक कैसे हमें निर्मल कर रहा है बिना साबुन बिना पानी के हम निर्मल कब नहीं हो पाते हैं हमारा तो स्वभाव ही निर्मल है हम निर्मल ही हैं हम मैल अपने ऊपर इकट्ठी कर लेते हैं द मैल ऑफ इमेजेस द मैल द डर्ट ऑफ डेफिनेशन द डर्ट ऑफ स्टोरीज अबाउट माई सेल्फ द डर्ट ऑफ लेबल्स दैट आई पुट ऑन माई सेल्फ And all these challenges around me, all these criticisms around me, they shatter me again and again, they break me again and again, only to let me know that I need not carry any image of myself. I am not an image. And then I wake up to this deep space, open, vast space of presence that I am, in which everything is allowed, every movement is allowed. जो मेरा स्वभाव है उससे मुझे कोई अलग कर नहीं सकता आई मे बी इन अ ड्रीम दैट आई एम नॉट माई ट्रूएस्ट एसेंस आई मे बी इन अ ड्रीम बट इट्स ओनली अ ड्रीम इट विल शैटर आफ्टर सम टाइम सो इट्स गुड दैट माई ड्रीम्स शैटर इट्स गुड दैट माई डेफिनेशन अबाउट माई सेल्फ कैटर ब्रेक इट्स गुड दैट आई गो थ्रू दैट पेन दैट हर्ट ऑफ Uh, detaching from a label, from a definition of myself, from an identity which I am not truly. Because when I shatter through all these breakings, I open up to the truest, most strength, the vulner vulnerability that I am, which can never be broken, which can never ever be broken. So it's good. To break apart, it's good to have challenges from people who challenge your identity, who challenge your words, who challenge the way you live. Because we are away, we are beyond all those images or perceptions of who I think I am. I can be extremely broken, yet I am there so that brokenness is allowed because that is not my truth that is just an happening it can happen it has space to be and then when i go through all these movements in life so called painful hurtful movements i wake up to this reality which is far 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 beyond than anything that can be broken or shattered or challenged

हम कहीं सेटल ना हो जाए एक इमेज में कि हाँ हो गया अचीव जो होना था मैं बन गया जो मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट मैं बन सकता था वी आर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन एवोल्यूशन देर इज देर विल एवर बी मोर टू अस देर विल एवर बी मोर टू अस इट कैन नेवर बी दैट आई हैव बिकम वॉट आई हैड टू बिकम एंड सो दैट आई कैन गेट गेट सेटल्ड गेट स्टेगनेंट इन इनर्शिया इन तमस So, it's beautiful to have all these challenges from life around. It's beautiful to have uh, all these people who hurt these images of, about ourselves, no matter how beautiful those images are. It's beautiful to have such people around who challenge again and again because they are the ones who put us back in our truest, most essence, who I truly am, where I need not protect or defend anything. I need not defend any explanation regarding myself. I need not tell anyone that I am a kind person and sorry I was so unkind. I need, I need not tell that to any person, because the presence that I am in that presence, many a times I am kind and many a times I am unkind, and that is all allowed. So So there is no particular image that I need to keep on holding to to say that this is me and if this is shattered i will be shattered even if that image is shattered i who i truly am can never ever be shattered so can we can we question all that and can we allow such hurt to happen can we allow pain to happen in its fullness so that we know that we are more than that